दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है एसएससी जीडी 2024 में कितना कटअप जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा और कितना परसेंट फर्स्ट चॉइस जो रखा जाता है एसएससी जीडी में वही बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होता है, वो फर्स्ट चॉइस कितना परसेंट क्या रखा है इस वीडियो से मैं आपको पूरा बताऊंगा। और आपने जो फर्स्ट चॉइस रखे हैं कौन सा रखे हैं, क्या गलती है और क्या आपको कितना तैयारी करना पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा जानकारी बता दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा चैनल में आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जो CISF है वो ज़्यादा ही बंदे पसंद करते हैं क्योंकि फ्री स्टाइल है, उनका ड्यूटी वगैरह सोचते हैं कि नॉर्मल होता है, तो इसलिए दोस्त लड़का लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं CISF। इसीलिए 47% बच्चे चॉइस किए हैं फर्स्ट चॉइस में। उसके बाद आपका आसाम राइफल 23% किए हैं, CRPF 18%। CRPF को इसीलिए चॉइस नहीं करते, BSF को इसलिए नहीं चॉइस करते, सोचते हैं कि जंगल झाड़ी में ड्यूटी करना पड़ता है इसीलिए चॉइस नहीं करते हैं। उसके बाद BSF जो है 15%, IDPP 13%, SSP 10%। दोस्तों इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि हाई जो कटअप जा सकता है किस में, पहले तो आपका CISF और आसाम राइफल में 100% आपका कटअप ज़्यादा ही जाएगा। अभी लो कटअप किस में जाएगा, जैसे CRPF, BSF, ITBP। बेस्ट चॉइस जिसने रखा है CRPF, BSF, ITBP, आसाम राइफल, तो उनके लिए बेस्ट है। जो CISF फर्स्ट चॉइस रखे हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ही कठिनाई है, उनको थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस में पढ़ाई करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उनको CISF मिलेगा। दोस्तों आपका मेहनत ही आपको बताएगा कि आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो पा रहे हो नहीं पता, तो पढ़ाई करिए और अच्छा से क्लास करिए। बाकी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, अभी 1 महीना ही बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ही मैथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और चैनल आपका वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद।